गोली खाई जिससे हाइट लंबी हो गई। अरे इतने बड़े जूते की हील भी काम नहीं आ रहे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर हाइट वाइट लंबी करनी हो और भी कुछ। ऐसा कभी हुआ नहीं कि मुझे कहीं पर जाना, लाइट से जाना है, हाई रोड इम्पोर्टेंट इवेंट है, मेरी नींद इंटरप्ट नहीं हुई हो। मतलब तभी सारे फोन बजते हैं, तभी सारे फालतू का काम के फोन। ओके ओके ना। वेलकम बैक टू द चैनल व्हेयर आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज का दिन बहुत बड़ा है बिकॉज आज फेमिनाइन मामा अर्थ का एक बहुत बड़ा इवेंट है जहाँ पर हमको जाना है। एक्चुअली हम मतलब मैं और शानिस भी जाने वाले थे, बट शानिस जो है नहीं आ पाएगी बिकॉज मामा ड्यूटी, और स्काई को अगर लेके गए वहाँ पर चिलम चिली करती नहीं है। लेकिन फिर कैसा मेरा ध्यान पूरा टाइम स्काई पे रहेगा, शानिस बोलती है तो इसके लिए आई डोंट लाइक गोइंग अलोन एनीवेयर, बट ठीक है, आई विल गो अलोन बिकॉज अ वेरी बिग इवेंट हैव टू गो। एंड दैट्स व्हाई हमने लास्ट व्लॉग में अपने सूट लेता हुआ देखा, सूट लिया तो अभी नींद तो मिली नहीं है। पता नहीं कल रात को मेरे दिमाग में क्या आया, हम लोग सब प्लानिंग वानिंग करके सोए, बियर्ड व्यर्ड ट्रिम किया और सूट देखो पूरा इधर, सूट इधर रेडी है अच्छे से, शूज भी देखो काले शूज कहाँ गए, शूज शायद सैनिटाइजर रखे होंगे, पूरा रेडी करके सोए थे हम लोग। फिर ट्रिम करते हल्की सी मुस्टैच रखी थोड़ा स्टाइल लुक के लिए, बट चैनिस बोलती है तेरे पे सूट नहीं करता तो मैंने निकाल। ऑलराइट गाइस, तो आई एम कम्प्लीटली रेडी, मतलब सिर्फ ब्लेजर पहने रह गया। और आपको थोड़ा यहाँ से बताता हूँ मैं कैसा लग रहा हूँ, दिस इज हाउ आई एम लुकिंग, ट्राउजर्स शर्ट एंड ऑफकोर्स चमचमाते शूज जो कि डाटा लुकिंग नाइस हैंडसम अप्रूवल ओके, आई एम लुकिंग गुड ना, डाटा लुकिंग हैंडसम, इंपॉर्टेंट डे ना, मुझे कुछ अवार्ड मिल नहीं रहा है, मुझे अवार्ड देना एक्चुअली मुझे भी मालूम पड़ा। ऑल्दो एप्पल वॉच बहुत अच्छी लगती है लेकिन फॉर्मल्स पे एप्पल वॉच इतनी सूट नहीं करेगी क्योंकि मेरा स्ट्रैप ये है तो उसको निकाल के पहना जाएगा। ये थोड़ी बड़ी लग रही है बट आई थिंक इट्स लुकिंग कूल बिकॉज ब्लेजर भी आया और ब्लेजर कवर कर देगा उसको। नहीं ठीक है सही है। बाय बेबी मिस मी, यू मिस अस एंड एंजॉय। राजू कुछ वैसा हिसाब होगा, यहाँ पर भी काफी सारे यूट्यूबर्स आ रहे हैं तो लेट्स सी अभी किन किन को मिलता हूँ। एक देखो तो फोन आ गया मुझे तो सुपर एक्साइटेड, अरे ट्रैफिक से कब बचूंगा मैं, 8 बजे पहुंचना है, 6:24 हुए अभी तक मैं यहाँ ट्रैफिक में फंसा हूँ, लगता है आई एम गोना बी द लास्ट वन। सब बोल नहीं सकते, कभी कभी बहुत सारे लोग लेट ही आते हैं। कहाँ से जाना है अभी, बस फ्रॉम वेयर, अच्छा इधर इधर। सो कमाल की बात है, हम ट्रैफिक के होते साथ भी बहुत जल्दी पहुँच गए हैं और सेंट इज वन ऑफ माई फेवरेट होटल। थैंक यू। हमको जाना है 9th फ्लोर पे। भाई देखो 9th फ्लोर पे पहुँच गए और बहुत जल्दी आ गए, इतनी जल्दी नहीं जाना है, वहाँ पर फोटोग्राफर लोग खड़े हुए, मैं जाऊँगा तो कोई फोटो नहीं खींचेगा तो बाद में आएंगे, नीचे जा रहे हैं। यार मुझे ना ये चीज़ ना, मुझे अपने मुंबई की स्पेशली, इंडिया नहीं बोलूँगा, मुंबई के पास टाइम की वैल्यू नहीं है। 8:30 बोला तो मतलब क्या है, 8:30 नहीं समझा नहीं तो 8:30 कोड है कोड। देखो भाई दो तीन ऑप्शन थे, पहला कॉफी शॉप में जाकर बैठ जाता, बाजू में एक मॉल है, दूसरा वहाँ जा सकता, मॉल में जाने का सवाल ही नहीं उठता, इतना अच्छे कपड़े होंगे मॉल में जाऊँगा। तीसरा ऑप्शन ये था कि हम बाहर कहीं जाए, अब फिर से ट्रैफिक में जाओ मालूम पड़ा फिर लेट हो जाऊंगा, इससे अच्छा मैं होटल के लॉबी में बैठता हूँ। प्रॉब्लम गो टू कॉफी शॉप बिकॉज इफ 7:30 का इवेंट है 7:25 तक कोई नहीं आया और एक दो लोगों को मैसेज किया बोलते वे लीविंग नाउ विल रीच देयर इन हाफ एन आवर। और मुझे मालूम पड़ा कि जो बहुत सारे लोग जो बाहर से आए, मुंबई से बाहर से, उनको बाजू में होटल है 4 सीजन वहाँ पर रखा है, तो वहाँ पर लोग जब बोलेंगे तभी निकलेंगे वो लोग। मैं तो मुंबई का हूँ, मैं तो पहुँच गया, लेकिन जो बाहर से हैं वो आराम से आएंगे। तो देखो भाई अभी बज रहे हैं 8:07, मैं पारुल के साथ हूँ इधर। बाय द वे पारुल विराज इज वाइफ, कैसा है विराज, अच्छा है, कैमरा वाला पकड़ता है फोटो निकालता है, मुझे बोलता है घर में बहुत गाली पड़ती है बिकॉज बीवी बोलती है ऐसा था कैमरा, इतना जो उसको आता है ना मेरी वजह से आता है, हर बीवी बोलती है। हमने कॉफ़ी मार ली है और अभी पारुल बोलती है कि बॉस पीछे दिख रहा है, वहाँ से पारुल को दिख रहा था बहुत सारे लोग चले गए हैं, अभी अपन एंट्री मारेंगे बिकॉज अभी सही टाइम है, अभी एक्चुअल टाइम है 7:30 नहीं 8। फोटोज आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज लोग ऐसा मूव होता है, तो वो मुझे लास्ट टाइम यूट्यूब में किया था तो मैंने अच्छा नहीं किया था, बट होपफुली दिस टाइम आई बी नाइस। जाना है अभी रुकना है, कैमरा
छोटे से रियल लाइफ में फ्लावर समझते हैं, असल में फिर फायर निकलते हैं। थाने से अकेले ड्राइव करके आया, पवई से अकेले ड्राइव करके आया, ठीक है फिर भी जल्दी आए। पवई तो इधर ही है यार, मुंबई वालों को टाइम की इज्जत है, दिल्ली वाले नहीं दिखाई देते। कोई नहीं आया दिल्ली वाला, ऐसा अगड़म अगड़म काम करने का, अरे वाह गाइस क्या सूट पहना है मैंने, अच्छा लग रहा होगा कि नहीं, घड़ी देखो बैटल घड़ी, अंडर ड्रेस ना हो जाए, ओवर ड्रेस ना हो जाए। कभी कभी शायद ये यहाँ की जगह यहाँ देखते होंगे, लेकिन छोटा लगे गाइज आप देख सकते हो, महेश ने गोली खाई जिससे हाइट लंबी हो गई, अरे इतने बड़े जूते की हील भी काम नहीं आ रहे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर हाइट वाइट लंबी करनी हो और भी कुछ सामान। हाँ सुन लो, तुम बिल सुना हुआ है, ट्रैफिक पर चलाने का यहाँ पूरा है ना मरदान की जाते जाते नजर आती है, इतनी गर्म ये तो फिर। अरे नहीं भाई, बहुत गाली पड़ेगी भाई निकोगे तो। अरे मजा आएगा भाई, ये बोल रहे हैं मैं वीडियो बनाता तो इग्नोर मारना, यहाँ मैं बोलना चाहूंगा इंटेंशनली इग्नोर मारा गया है, अनइंटेंशनली नहीं, ठीक है इग्नोर मारूंगा भाई। भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्या कर रहा है यार, तुम लोग ऐसे लोग ना खराब करते कम्युनिटी को यार। आई एम लुक सर, आईफोन लेके आ जाता तुम लोग यार, सॉरी बड़ा कैमरा सॉरी। अभी हम लोग फाइनली अंदर आ गए हैं इवेंट में और सबसे पीछे बैठा हूँ मैं, अच्छा व्यू मिलेगा यार, शांति से बातें भी हो पाएगी। आईडिया कौन आ गया? निखिल शर्मा, बेटर नोन एज मुंबई कर निखिल ऑन यूट्यूब। आई डोंट नो व्हाई आई हैव टू से दैट बट इट्स अ बहुत अच्छा फंक्शन चल रहा है, बहुत अच्छा लगा, इट वॉज एन ऑनर टू गो ऑन द स्टेज एंड गिव द अवार्ड। अभी मुझे भूख लगी है तो मेरे सामने खाना है, इतने बड़े बड़े लोगों के सामने खाना खाने को अच्छा नहीं लगेगा, इतने बड़े बड़े तो खाना पैक करके बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं। देखो भाई वहाँ रणवीर सिंह आए हैं और सब लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, तो मैंने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मैंने बोला यहाँ खाली हो गए, चुपचाप प्लेट उठाते हैं खाना लेते हैं और बटते हैं। वो आ गया भाई, देखो भाई कैशिंग लेके ये देखो भाई साहब, ये देखो भाई साहब, स्टार है भाई साहब, स्टार परचेजिंग बहुत ही एक्सपेंसिव। तो सारे इन सोनी और आईफोन के बीच में मुझे एक कैनन वाला विंटेज किया, विंटेज नहीं बोलूंगा, 60 मार्क तो एक टाइम पे सपना था लेने का, लेकिन फिर ये वाली भी कैमरा मेरी जिंदगी में आ गई और सब चीज़ नहीं। बड़ा फन फैक्ट, यू बॉट 70D ना, मैंने वो देख के लिया था 80D उसमें बिकॉज ये चीज़ तो अब बनता है। बहुत थक गया हूँ मैं एक्चुअली, और भी बहुत कुछ करने का सोच रहे थे लेकिन शानिस अकेले स्काई के साथ तो जाना पड़ेगा। भाई एक अच्छी चीज़ होती है रात को ड्राइव करके आने की, खाली रास्ता था, 35 मिनट में मैं अपने घर पहुंच गया। अभी मुझे एक ही चीज़ करनी है, इसको देखना है। आई मिस्ड माय बेबी सो वेरी मच, एवरीबॉडी वाज आस्किंग अबाउट वेयर इज स्कायू, वेयर इज स्कायू, वेयर इज स्कायू, स्कायू इज प्लेइंग, हाउ इज प्लेइंग स्कायू, नेक्स्ट इवेंट आई विल टेक यू, ओके यू विल बी द स्टार। कसम से गाइस पूरा दिन भारने के बाद जब इसको वापस आके देखता हूं, इसको हंसता हुआ देखता हूं, पूरी एनर्जी आ जाती है स्कायू। I love you too, I missed you too। इतने प्यार भरे नजरों से मुझे देखती है ना, मैं बता नहीं सकता अब, है ना स्कायू।
का जो इवेंट था वो कमाल था, धमाल था, और बहुत सारे क्रिएटर्स मिले हर एक के साथ. वीडियो तो नहीं बना पाया लेकिन मैंने कोशिश की कि थोड़ा थोड़ा सबका डालूं, बिकॉज एवरीबॉडी इज मेकिंग देयर वीडियोज. मैंने कहा चलो भाई उनका अपन वो उनका उनके चैनल पे देख लेंगे, अपना थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा देते हैं और सबके साथ फोटोज ली. इट वॉज अ वेरी वेरी पॉजिटिव इवेंट. याद है मैं शुरू में बोल रहा था नहीं मुझे ऐसा इवेंट में आना पसंद नहीं, बट जो आज का इवेंट था वो कुछ अलग ही था, बहुत ही ब्यूटीफुल था. अगर शानी अकेले नहीं थी तो मैं थोड़ा और रुक के आता, बट कोई नहीं, चलता है गाइज. आशा करता हूँ आपको छोटा सा व्लॉग जो मैंने बनाया है, छोटा सा ग्लिम्स जो आपको दिया वो अच्छा लगा होगा. तो अगर ये यहाँ तक देख लिया तो लाइक का बटन दबाओ, नए हो सब्सक्राइब करो. बहुत सारे वहाँ पर क्रिएटर्स थे, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं. प्रीटी श्योर अगर आप सर्च करोगे तो आपको वो भी मिल जाएंगे. आई थिंक आपको सर्च करना पड़ेगा मामाअर्थ इवेंट, तो वो मिल जाएगा. अब सब एक दो दिन में डाल देंगे, सब अपनी तरह नहीं कि जो सुबह डाल दें, बहुत सारे हैं. सो विद दैट सेड, एज ऑलवेज, शुक्रान, अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट माय लवली फ्रेंड्स. आडियो सो बिकॉज़ शबक है, टेक केयर, बाय बाय. नाउ आई एम वेरी टायर्ड. I'll go to sleep and I'll see you tomorrow morning 9:30 sharp.